वही फिर खबर चतरा से, जहां नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एक साल तक यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। जान से मारने की धमकी देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नाबालिग की गर्भवती होने पर मामले का ये खुलासा हुआ। परिजनों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच भी करवाया है। सिमरिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। घर पकड़े कंबी लगा के पकड़ के निकल गल घरवा से निकल भरे तो मम्मा खिना फूसे लग लेल थी। कल तीन घर का करी कमर लगा कि गोलियाँ दिल दू गो से गोलियाँ ना खा लिया से मारे सहल से डरे खा लिया से मुँहवा गोटे फूल गए हल्ला मकईओ घंटे से तहेज करे लगल मखीन घटे से पकड़ के लगल मकैया ने ना जाले से तिरिया हल से ना जाले से मारे सहल कल मारब से हला कर पिटब से कहा हल से डरे न बतवाली को करीब। आसीन समय से इसका साथ गलत हो रहा था लेकिन हम लोग के पता नहीं था कि कितना दिन से गलत हो रहा है। तो लड़की को दो गोली खिलाया गया बाद इसको चेहरा में पूरा आ गया सूजन। यार लड़की बताती थी नहीं, पूछते थे तो तब सूजन आ गया तो इसको मारने डांटने ले खोज रहे लगे हम तो ये बोल रही है कि नहीं से सूजन उड़ा है से दो गोली हमको खिलाए से गोली खाएं इसी चलते हमको चेहरा में सूजन आ गया। हम तो ग्रामीण बैठक में अपना गंजू हैं तो गंजू दो चार गो ला के अपना समझौता हम सोचे के बाद हम लोग थाना गए तो हम लोग के यही रिपोर्ट बनाए सर और रिपोर्ट बना के लो हम यहाँ आए। एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक शोषण का मामला प्रकाश में आया था जिसके आलोक में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर अभी को गिरफ्तार कर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।